गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हिंदी में हम रिवाइज करेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 10, विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषता, जो शब्द किसी संज्ञा या नाम स्वरनाम की विशेषता बताए उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण मीन्स कि आपको कोई चीज दिखा रखी है या बता रखी है तो आपको उसका गुण बताना है, उसमें क्या गुण है, क्या क्वालिटी है उसकी, ठीक है। तो उदाहरण है जैसे सुंदर लड़की। अब इसमें लड़की कैसी है? सुंदर है, तो ये उसकी विशेषता है कि वो लड़की कैसी है? सुंदर है, ये उसका गुण है, ठीक है। बड़ी गेंद, गेंद कैसी है? बड़ी है, छोटी नहीं है, बड़ी गेंद दिखा रखी है, तो बड़ी गेंद। मोटा हलवाई, हलवाई कैसा है? बहुत मोटा है, तो ये उसकी विशेषता है कि बाकी सब तो पतले हैं, वो मोटा है, उसी के बारे में हमें बता रखा है कि मोटा हलवाई। तो एक्सरसाइज है, आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी या गर्म? आप आइसक्रीम का नाम सुनते ही आपको कैसा लगता है? ठंडा ठंडा। कि आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी होती है। तो ये उसकी क्या है? विशेषता है, आइसक्रीम का गुण है, ठीक है। अगर चाय पूछी जाए, चाय कैसी होती है? तो चाय कैसी होती है? गर्म। तो गर्म जो है चाय की विशेषता है। नेक्स्ट है इमली। इमली हमेशा खाने में कैसी होती है? कड़वी या खट्टी? तो इमली आप अगर आपने खाई है तो हमेशा इमली खाने में कैसी होती है? खट्टी, ठीक है। तितली कैसी होती है? मोटी या रंग बिरंगी? तितली की क्या विशेषता है? कि उसमें बहुत से रंग होते हैं, तो उसके बहुत से रंगों को हम क्या कहते हैं? रंग बिरंगी, ठीक है। तो तितली कैसी होगी? रंग बिरंगी। एक बार फिर से देखते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द कौन से होते हैं? जो किसी चीज की उसकी अच्छाई को, उसके गुण को बता रहे हैं कि ये चीज कैसी है, सुंदर है, गंदी है, अच्छाई है या अच्छी है, बुरी है, तो उसके बारे में बताते हैं। तो वो क्या होते हैं? विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे सुंदर लड़की, मोटी गेंद, बड़ी गेंद, मोटा हलवाई, ठीक है, ठंडी आइसक्रीम, ये सब क्या है? विशेषता बताने वाले शब्द हैं। आपकी बुक में भी, लेसन में भी है बेटा, भिखारी, गरीब भिखारी, दयालु राजा, तो ये सब क्या है? ये इनकी विशेषता बता रहे हैं कि राजा कैसा है? दयालु है। भिखारी कैसा है? गरीब है। तो ये शब्द क्या है? विशेषता बताने वाले शब्द कहलाए जाते हैं। बेटा आप इस लेसन को अच्छे से रीड करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।